रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे पाकिस्तानी किसान भाइयों, पाकिस्तान चार अहम फसलें जिसमें गंदम, चावल, कपास और दालें बाहर से इंपोर्ट करता है। ये चारों फसलें हमारी ज़रूरियात के लिए बहुत ही अहम हैं। कुछ किसान भाइयों ने इतराज़ किया है कि हम आलू की फसल काश्त ना करें तो हम क्या करें। एतराज़ आलू की फसल काश्त करने पर नहीं है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा काश्त करने पर है। हमारा यही आलू गैर मुल्की कंपनियां 15-20-25 रुपए किलो के हिसाब से ख़रीदती हैं और इससे फाइनल प्रोडक्ट्स, चिप्स और फिंगर वगैरह बनाकर हमें बेचती हैं। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम तमाम ज़रूरी फसलें अपनी ज़रूरत के मुताबिक काश्त करें, या इन्हीं फसलों से हमें फाइनल गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान उस वक़्त तक तरक्की नहीं करेगा जब हम ज़रई लिहाज से खुद कफील नहीं होंगे, और हमारा मुल्क ज़रई है। प्यारे किसान भाइयों, हमें मुल्क के हिसाब से सोचना चाहिए और तमाम वो फसलें ज़रूरत के मुताबिक काश्त करनी चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत है। अगर ज़रूरत के मुताबिक से ज़्यादा काश्त करना है तो फिर हमें इनकी फाइनल प्रोडक्ट्स बनाकर बाहर एक्सपोर्ट करनी चाहिए ताकि हमें प्रॉपर मुनाफा मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।